एंड राइस. आलू एंड राइस. तो एक लेग पीस सुदीप का, एक लेग पीस. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. होप आप सब बहुत अच्छे हो. तो आज है ब्यूटीफुल सा सनी सा संडे मॉर्निंग. तो अभी मैं अभी सुबह के करीब लाइक 8:30 बज रहे हैं. तो मैं अभी गर्म पानी बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लूँगी एंड लंच का बाद में सोचते हैं. तो मैंने ये एग भुर्जी बना ली है, अच्छे से धनिया डाल के बनाई है अच्छे से फ्लेवर के लिए. और साथ ही ना उसके साथ मेरे पास ये इंडियन पाव है. ये कल सुदीप लेके आया था. तो ये जो पाव भाजी इंडिया में बनती है स्ट्रीट वाली, वो वाली पाव है, बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट पाव है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ गई, 3 dirhams की आई है. तो इंडियन मनी में हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 60 rupees. दोपहर के 1:00 के करीब टाइम हो रही है और आज संडे के लंच में बन रहा है चिकन करी और राइस. तो चिकन बन रही है एक बंगाली स्टाइल में, चिकन करी आलू डाल के, जिसको बंगाली में चिकन मांगशे झोल भी बोलते हैं. तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल के चिकन को मैरिनेट कर ली है और साथ में आलू को भी मैं हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा मैरिनेट कर लूँगी. और उसके बाद पहले आलू को फ्राई कर लूँगी तेल में. मोस्टली सुदीप ही वीकेंड पे खाना बनाता है, लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं लंच बनाऊं. तो मेन रीज़न था कि मैं वो मसाला बॉक्स यूज़ करना चाहती थी, एक्साइटमेंट थी उस मसाले बॉक्स को यूज़ करने की, क्योंकि आज जो चिकन में मसाला जाएगा तो ऑलमोस्ट सारे मसाले उस मसाले बॉक्स में हैं. तो सारे ही इस चिकन के प्रिपरेशन में मैं डालूँगी. इस वीकेंड को हमने कोई भी प्लान नहीं रखा बाहर जाने का बिकॉज ऑफ द रेन. वैसे तो फ्राइडे तक ही बारिश की फोरकास्टिंग थी और सैटरडे आज भी काफ़ी सनी वेदर है, मतलब रेन नहीं है. लेकिन अच्छा हुआ कि इस रेन के लिए क्लाइमेट बहुत ही ठंड हो गई है और इस ठंड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुबई में. एटलीस्ट विंटर के सीज़न में थोड़ी सी तो ठंड एक्सपीरियंस करना बनता ही है. टमाटर भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई है और इसमें मैं डाल दूंगी जो सूखे मसाले का एक मिक्सचर बनाया है मैंने, धनिया जीरा हल्दी चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर का. तो वो वाली मिक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी. ये सिंपल सा मसाला डाला है मैंने, लेकिन खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है. इसको अच्छे से और फ्राई करना है और इसकी और भी अच्छे से फ्लेवर एनहांस हो जाएगी. और जो आलू फ्राई की थी मैंने, वो भी मैंने चिकन के साथ रख दी थी. तो यहाँ पे मैं फ्राइड आलू, मैरिनेटेड चिकन और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ भी काट के मैंने इसमें डाल दिया है. सबको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ी देर तक पकाना पड़ता है इसको. उसी का एक्चुअल टेस्ट होता है इस रेसिपी में. ये वाली चिकन करी मुझे और सुदीप हम दोनों को ही बहुत पसंद है और हमारी मॉम इंडिया में ये वाली चिकन करी अपने ही स्टाइल में बहुत अच्छे से बनाती हैं.
मैंने बहुत ही अच्छे से इसको अभी फ्राई कर ली है, सारे मसाले चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी गरम पानी और ये चिकन की झोल हो गई है रेडी। धनिया पत्ता डाल दी है मैंने, उसके साथ ऐड कर दी है गरम मसाला और अभी राइस बना के मैं लंच सर्व करूँगी। तो हो रहा हमारा संडे का लंच, चिकन करी विद आलू, विद आलू एंड राइस, आलू एंड राइस। तो एक लेग पीस सुदीप का, एक लेग पीस मेरा। गरम गरम मांस भात। তুই যে আইসটা, এই শসাটা আইস হয়ে গেছিল? টেম্পারেচারটা ঠিক করে রাখিনি। না না, ঠান্ডা পড়েছে তো, তো সব কিছু ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা আছে এই আলুটাকে ভাতের সঙ্গে মিলে খেতে তারপরে এরকম একটু মাংসটাকে নিয়ে উপরে দিতে হয়, দিয়ে কেমন করে দমিয়ে খেয়ে তারপরে শশে কেন খাওয়া। আমি যেন বললাম আলু নিতে হবে আমাকে, তাকে ভাবতে নেবে, ওদের আলুটাকে মাখবে, তার উপরে মাংসটাকে দেবে, তারপরে সেটাকে দিলাম। তারপর আগে খেয়ে নাও, তারপরে আজ খাবো। सुदीप को कुछ काम है और मैं भी उसके साथ बाहर आई हूँ, मुझे कुछ प्रिंटआउट्स लेने हैं, तो मुझे सुदीप प्रिंटआउट वाले शॉप में ड्रॉप कर देगा। और ये वाली जो मॉस्क है ये हमारे घर से दिखती है, तो प्रिंटआउट वाली शॉप भी इसी मॉस्क के पास में ही है। तो मेरा काम हो गया है, मैं अभी चली जाऊँगी घर। टी टाइम नाउ और सुदीप मेरे लिए केक लेके आया है मिस्टर बेकर से। मैं पूछती रही क्या केक है, कौन सा केक है, बट ही जस्ट सेड दैट यू विल लव द केक। तो आई जस्ट कांट वेट। बहुत ही जल्दी से मैंने चाय बना ली सो दैट आई कैन रिलीज सी द केक। ओ अच्छा, ये बोलते सेलो टेप ताकि ये मूव ना हो जाए। ओ वाओ, चॉकलेट चॉकलेट, वेरी नाइस चॉकलेट ट्रफल। जस्ट कांट वेट टू ईट दिस। Mi chiamo a risale. E la hockey? E una. E sveol. No, hanno del Hezbollah. तो अभी हम खाएंगे केक और उसके साथ चाय भी पियेंगे और हम एक वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तुमरा शबाई खूब 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 भालो थेको एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा आज के व्लॉग में तो थम्स अप दे देना एंड आई लव यू, गुड नाइट।